लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी सरकार बनने के बाद जल्द होगा शपथ ग्रहण समारोह और बीजेपी के कई बड़े चेहरे मंत्री बनने की रेस में हैं। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के साथ ही कई मंत्री लेंगे शपथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव परिणाम आने के बाद शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। आपको बता दें कि लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी सरकार बनने के बाद जल्द होगा शपथ ग्रहण। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। दिनेश जी, आप शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही होने वाला है, इसको लेकर क्या जो जानकारी है वो सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक आज होगी, उसमें तय किया जाएगा कि कब होगा उत्तर प्रदेश का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी दोबारा सत्ता में वापस आई है। तो भारतीय जनता पार्टी अभी संसदीय बोर्ड की बैठक आज होगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश लखनऊ में विधायक दल की बैठक होगी जिसमें चुने हुए सारे विधायक भाग लेंगे। उसमें यह तय किया जाएगा कि कौन विधायक दल का नेता होगा। हालांकि ये सब केवल औपचारिकता के लिए हो रही है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय हो गया है पहले ही, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, ये सब चीजें तय हो गई है। लेकिन एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको पूरा करने के लिए विधायक दल की बैठक होगी, उसमें तय किया जाएगा। हालांकि योगी कैबिनेट को लेकर अभी चर्चा हो रही है कि योगी कैबिनेट में योगी मुख्यमंत्री जब शपथ लेंगे तो उनके साथ कौन कौन नए चेहरे शपथ ग्रहण करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में शामिल होंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब एक दर्जन के से अधिक मंत्री इस बार चुनाव हारे हैं, सॉरी 10 से 12 मंत्री चुनाव हार गए हैं। तो ऐसे में नए चेहरे शामिल हो सकते हैं योगी कैबिनेट में। राजेश्वर सिंह और पूर्व आईपीएस असीम अरुण, इनके साथ साथ तलब मणि त्रिपाठी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार रहे और इससे पहले कई चैनलों में पत्रकार भी रहे, बड़े पत्र चेहरे रहे, संगठन के प्रिय हैं, संगठन के चहेते हैं। इसलिए इन तीनों नामों की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है कि योगी कैबिनेट में ये तीन नए चेहरे हो सकते हैं। क्योंकि कई पूर्व मंत्री जो सीनियर मंत्री थे वो हार गए हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और यह चुनाव हार चुके हैं। जी बिल्कुल दिनेश जी, और कहीं ना कहीं कई जो मंत्री पिछली सरकार में थे, 2017 से 22 की सरकार जो थी उसमें जो कई मंत्री थे उनकी छुट्टी भी हो सकती है, क्योंकि नए लोगों को जब मौका मिलेगा तो पुराने की छुट्टी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई पुराने मंत्री हैं जो करीब 60+ हैं उनको, और उनका 2017 से 22 का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। तो ऐसे में करीब आधे दर्जन से अधिक मंत्रियों का पद भी जा सकता है। अब ऐसे में नए चेहरों में इन तीनों के अलावा बदलापुर जौनपुर के रमेश मिश्रा और ऐसे कई नाम हैं जो चर्चा में है कि ये योगी कैबिनेट के हिस्सा हो सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ये सारे मंत्री शपथ ले सकते हैं। लेकिन अभी ये सब सूत्रों की खबर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी आज जो संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है दिल्ली में, उसमें यह तय करेगी कि योगी कैबिनेट का हिस्सा पहले चरण में कौन कौन होगा। ये देर शाम तक पता चल जाएगा कि योगी के साथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कौन कौन चेहरे शपथ लेंगे, ये आज शाम तक दिल्ली में होने वाली बैठक में तय हो जाएगा। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी इस पूरी खबर पर, ज्यादा जानकारी के लिए। बीजेपी सरकार बनने के बाद जल्द होगा शपथ ग्रहण समारोह। कल जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से वापसी की है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, कानपुर से खबर आ रही है।